इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। आज का दिन भी एहतजाज का रहा। बेलगाम को लेकर कर्नाटक महाराष्ट्र तनाज में और भी इजाफा ही होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से शिवसेना के 8 कायदों पर मुकदमा दर्ज किया गया। 21 जनवरी को एमईएस की जानिब से भगवा परचम लहराने का ऐलान किया गया था, जिससे शिवसेना की जानिब से हिमायत हासिल हुई थी और भगवा परचम लहराने के लिए महाराष्ट्र से बेलगाम शहर में दाखिल होने की कोशिश भी कर रहे थे। इन्हें चिन्नौली के पास रोक दिया गया। आज इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया कि माहौल को बिगाड़ने के जुर्म में 8 अफरादों पर काकती पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। वाजा रहे 1986 में छगन भुजबल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद अक्सर महाराष्ट्र के कायद बेलगाम आते जाते रहे, पर हाल ही में परचम तनाजे के मद्देनजर शिवसेना लीडरान पर मुकदमा दर्ज करने की वारदात अमल में आई। एमईएस के नौजवान कायद शुभम शेड़के ने शिवसेना में अपनी शमूलियत दर्ज की है। वैसे भी बेलगाम एमईएस इख्तलाफात की नज़र पहले से ही हो चुका है और इसी इख्तलाफ और मुफाद परस्ती के चलते एमईएस की तहरीक की साख गिरती गई और बेलगाम शहर में जो पहले एक तरह का दबदबा हुआ करता था वो अब नहीं रहा। शिवसेना बेलगाम मसले को लेकर काफ़ी सरगर्म हुई है और शायद अब बेलगाम में अपना सियासी वजूद भी कायम करना चाहती है। भाजपा के वोट बैंक में शिवसेना यकीनन सेंधमारी कर सकती है। हर चीज का उरूज जवाल रहता है। हिंदुत्व के नाम पर भाजपा या संघी बेवकूफ नहीं बना सकते, ऐसा बेलगाम के सियासी लीडरान का कहना है। वही दूसरी ओर कन्नड़ तंजीमों ने भी शिवसेना एमईएस के खिलाफ एहतजाज में सख्ती लाई है। बेंगलोर से कन्नड़ कायद वाटाल नागराज ने बेलगाम का रुख किया। आज शिवसेना एमईएस पर कार्रवाई को लेकर चन्नम्मा सर्कल में एहतजाज किया गया और रियासती हुकूमत और इंतजामिया को कहा कि बेलगाम में जो भी महाराष्ट्र हिमायती मराठी तंजीमें हैं इन पर कार्रवाई करें और जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक बेंगलोर से बार बार कन्नड़ तंजीमों के अफराद बेलगाम आकर एहतजाज करते रहेंगे। आखिरकार वाटाल नागराज के साथ तमाम एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया और बाद में रिहा भी किया गया। शिवसेना की जानिब से बाल ठाकरे का बेलगाम में यौम पैदाइश मनाया गया, जिसमें बेलगाम महाराष्ट्र में जाने तक लड़ते रहेंगे और रहेंगे तो महाराष्ट्र में या जेल में, जैसे नारे लगाए गए। वही कन्नड़ तंजीम के कायद वाटाल नागराज का कहना है कि येडियुरप्पा बेहद मनहूस मुख्यमंत्री है। रियासत को बर्बाद करने पर येडियुरप्पा हुकूमत तुली हुई है। अब तक एमईएस शिवसेना पर क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहती? कर्नाटक के परचम की मुखालफत को या कन्नड़ परचम की तौहीन है? सभी का गिरफ्तारी के बाद इन सभी को रिहा किया गया। आज मुख्तलिफ किसान तंजीमों की जानिब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश मनाई गई और साथ में किसान बिल की मुखालफत में एहतजाज किया गया। बेलगाम चन्नम्मा सर्कल में आज का दिन गोया हंगामों का रहा। काफी देर तक किसानों की जानिब से एहतजाज किया गया। किसान लीडरों ने बताया कि हम भी यानी कर्नाटक के किसान भी ट्रैक्टर रैली करना चाहते हैं, पर रियासत हुकूमत की जानिब से रुकावट पैदा की जा रही है। ट्रैक्टरों को जब्त करने की कोशिश भी की जा रही है और किसानों को रोकने की कोशिश जारी है। लिहाजा किसान मरकजी मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर इंतजामिया की जानिब से रुकावट क्यों पैदा की जा रही है, ऐसा भी सवाल किया गया। रियासत के मुख्तलिफ शहर देहात से हिमायत हासिल हो रही है, ऐसा किसान कृषि और कर्नाटक रैत संघ की जानिब से बताया गया कि किसान तंजीमों के कई सारे अफराद दिल्ली के लिए रवाना होने की भी तला उन्होंने दी और दो ट्रक के जरिए चन्नम्मा सर्कल से दिल्ली के लिए रवाना होने की भी बात कही। इन्होंने किसानों को बेचने वाले काले कानून मोदी हुकूमत ने मंजूर कर किसानों पर जुल्म ज्यादती की है, लिहाजा जब तक कानून को रद्द नहीं किया जाता है एहतजाज जारी रहेगा, ऐसा भी कहा। बेलगाम कॉरपोरेशन चुनाव क्या फिर से मुलतवी होने वाले हैं? ऐसा सवाल एक बार फिर खड़ा हुआ, क्योंकि वार्ड की तामीर नौ यानी पुनर्रचना और वार्ड आरक्षण को लेकर साबिक कॉरपोरेटरों ने अब सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की है। खबर हासिल है कि जरूरी कागजात दस्तावेजों को ये जमा करने में लगे हुए हैं, यही काम जारी है। लिहाजा एक बार फिर कॉरपोरेशन चुनाव की सरगर्मी सर्द होने के इम्कान नजर आ रहे। दिसंबर में बेंगलोर अदालत ने बेलगाम कॉरपोरेशन चुनाव को मुकम्मल करने का फैसला सुनाया था। जब अदालत ने कॉरपोरेशन चुनाव की कार्रवाई को अंजाम देने का ही फैसला दिया था तो बेंगलोर अदालत में जाना क्या मुनासिब रहेगा, ये भी इन्होंने सोचा। इसलिए इन्होंने
सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया। अदालत क्या चुनाव पर रोक लगाएगी अगर हम हाईकोर्ट जाते हैं, तो ये भी सवाल साबिक कॉर्पोरेटरों के सामने खड़ा था। लिहाजा बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। जल्द साबिक कॉर्पोरेटरों की जानिब से पिटीशन दाखिल करने की बात कही जा रही है। पहले कुछ ही कॉर्पोरेटरों ने फैसला लिया था, पर अब जब वार्ड की तामीर न और रिजर्वेशन का ऐलान किया गया, जिसमें तकरीबन 27 वार्डों को महिला ही किया गया, अब तकरीबन सभी कॉर्पोरेटरों ने अदालत में ही अर्जदाश्त पेश करने का फैसला लिया है। जिस तरह से वार्ड रचना और आरक्षण का ऐलान किया गया है, सारे ख्वाहिशमंद हजरात भी अब नाराज नजर आ रहे हैं और अब तो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार भी अदालत का रुख करने पर तुले हुए। अदालत ने 2018 की नहज पर ही वार्ड रचना रहेगी और रिजर्वेशन का ऐलान किया था, पर काफी लोग मौजूदा फैसले से नाराज हैं। इस तमाम मामलों में कॉर्पोरेशन चुनाव की तो तारीख पे तारीख ही नजर आ रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।